स्टार्ट भी थे, मुस्तफा भी बिते हैं क्या? When we were having a class last time, we talked about the hydrological cycle bete. What is the water hydrological cycle bete? Ye humne MSS just to give you a recall bete. Water is constantly transferred in a continuous cycle called the water cycle. We bahut humne detail mein humne study kiya hai ki ocean se kis tarah water evaporate karta hai bete, and it condenses up above, and then the vapor is converted into water which falls down as rain or snow bete. ठीक है, तो वी हैव दिस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन वी हैव स्टडीड वेरी एक्सटेंसिवली. कैन यू हियर मी क्लियरली बेटे, ऑल ऑफ यू? ओके, वी स्टडीड दैट वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सी, रिवर्स एंड लेक्स एंड स्टेज एट वेपर इन द एयर. इफ वाटर वेपर इज कूल्ड, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, फर्दर कूलिंग रिजल्ट्स इन रेन और स्नो बेटे. ठीक है, और हमने वो भी इवेपोरेशन कंडेंसेशन के इलस्ट्रेशन के लिए इवन शोड यू डीसैलिनेशन प्लांट. इफ यू रिकॉल हाउ द वाटर, द सॉल्टी वाटर वॉज पुट इन टू वन कंटेनर वेयर इट वॉज इवेपोरेटेड, द सॉल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड इन द कंटेनर एंड द वॉटर इवेपोरेटेड एंड देन द वॉटर वॉज कन्वर्टेड टू द नेक्स्ट कंटेनर एंड वेयर इट कंडेंस्ड. Water vapor condensed and it was converted into water. So this is that how desalination work. Transpiration is just the process where plants lose moisture. When we water our plants or trees, they lose their moisture, and that moisture from the plants is evaporated and it goes in the air in the form of water vapor. And as I said last time also, you may feel that you know, ek plant se kitni evaporation ho sakti hai, lekin jab billions and billions of plants सिर्फ मॉइस्चर निकलेगा और इवेपोरेट होगा बेटे, तो दैट डज मेक अ डिफरेंस बेटे. एंड इनफिल्ट्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल एंड रॉक्स. सम ऑफ द वाटर इज टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है, जो बारिश होती है या कोई भी जमीन पानी होता है, जमीन के अंदर चला जाता है सॉइल में या रॉक्स के थ्रू वो प्लांट. दिस इज इनफिल्ट्रेशन, दैट दिस मीन्स इट्स गोइंग इनसाइड द अर्थ बेटे. And some of this water is taken by the roots of the plants, they use up this water, and some is left behind and the ground के अंदर रहता है बेटे. ठीक है, ये हमने वी डिड ऑल ऑफ दिस लास्ट टाइम बेटे. अब हमने बेटे अगेन ये एक आपके पेज नंबर 22 पे, दिस हेडिंग इज ऑन पेज नंबर 22 ऑफ योर बुक. इफ यू हैव 23 बेटे, फर्स्ट हेडिंग ऑन पेज 23 ऑफ योर बुक. इफ यू हैव योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू, द टॉपिक इज इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशंस ऑन द वर्ल्ड्स वेदर एंड क्लाइमेट. सो देयर डिफरेंट वेज ऑफ इवेपोरेशन बेटे, लेकिन यू मस्ट एग्री एंड यू मस्ट सी बिगेस्ट सोर्स ऑफ इवेपोरेशन ये वेदर पे जो इम्पैक्ट है वो ओशंस का है. ठीक है, प्लांट्स की ट्रांसपिरेशन भी हो रही है, रिवर्स लेक से भी जा सकता है, लेकिन ओशंस आर ह्यूज बेटे. ओशंस आर ह्यूज और 75% ऑफ द अर्थ इज ओशंस बेटे, इज वाटर बेटे, एंड ओनली 25% इज लैंड बेटे. तो अगर जो ओशंस हैं वो 3 times मोर हैं एज कम्पेयर टू लैंड बेटे. तो इतनी वास्ट एरिया पे जब इवेपोरेशन हो रही है, तो यू कैन इमेजिन कि उसका हमारे एटमॉस्फेयर पे जो इम्पैक्ट है सबसे ज्यादा वो ओशंस का है बेटे. सो देयर इज मोर इवेपोरेशन फ्रॉम ओशंस देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो दिस होल प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, जो रेन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इसके जो बिगेस्ट सोर्स है दैट इज ओशंस बेटे. जो इवेपोरेशन हो रही है, द बिगेस्ट सोर्स इज ओशंस बेटे. सबसे ज्यादा जो पानी है वो ओशन से इवेपोरेट हो रहा है, उसके बाद देयर आर थिंग्स, बट द बिगेस्ट सोर्स इज द ओशंस बेटे. इवेपोरेशन द फेमस वंस आर द बेटे द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, द साउथ ओशन, देयर वर 4 or 5 फेमस ओशंस बेटे. लेकिन हमारी सारी ट्रेड ओशंस के थ्रू हो रही है, फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, जितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है सी के थ्रू बेटा, ये ट्रांसफर हो रहा है सारा कुछ. तो ओशंस का एक ह्यूज रोल है हमारे इसमें जिंदगी में, विच वी डोंट सी एवरी डे, बट दे हैव अ ह्यूज रोल बेटे. इवेपोरेशन फ्रॉम ऑल ओशंस विच देन लीड्स टू कंडेंसेशन. ठीक है, ये सबको क्लियर होना चाहिए. फर्स्ट इवेपोरेशन फ्रॉम द ओशन, इट गोज अप, द वेपर गोज अप इन द एयर एंड देन इट कंडेंसेस. द फर्स्ट देयर इज इवेपोरेशन एंड देन कंडेंसेशन, इन्फ्लुएंसेस द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर बेटे. ठीक है, इट डेफिनेटली द पूरी साइकिल है. आपको सबको पता है कि रेन, अब पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, एवरीबडी नोज के वेदर कितना अच्छा हो गया है, एवरीवन नोज के हमें बारिश की कितनी जरूरत है बेटे, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर अस, फॉर ह्यूमन बीइंग्स, फॉर एनिमल्स, एवरीथिंग, बारिश की कितनी ज्यादा जरूरत है. और ये बारिश की जो साइकिल है, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम इवेपोरेशन फ्रॉम द ओशंस बेटे. ठीक है, तो ओशंस का दे इन्फ्लुएंस द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर. आफ्टर सन,
ठीक है, सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर आफ्टर सन, बिकॉज फिर सन नहीं होगा, अगर सनलाइट ही नहीं होगी तो वो वाटर हीट अप नहीं होगा, तो फिर तो वेपरेशन ही नहीं होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज सन विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, गिव्स यू गेट द हीट फ्रॉम द सन और उस हीट से वाटर वेपरेट होता है. तो सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट आफ्टर सन ओशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर विद इट. Kaleem, please pay attention, beta. Pay attention. Listen carefully, beta. I'm going to ask you questions at the end of the lecture. Okay. The movement of water. Now we'll talk about the movement of water. Movement in seas and oceans. This is again in your book, page number 23. If you want to see the book, there is a diagram also on page number 23. If you have your books in front of you, you can see the figure and this thing. Everything that I'm saying in these classes, beta, they all come from your book, beta. So you don't have to worry about anything. If you just read after the lecture, if you read the book, you will find everything. Movement in seas and oceans. Ocean currents are large masses of water. Ocean currents. Currents means the huge layers, waves of water. Are huge currents are large masses of water that move warm water into areas of cold water. So what ocean currents do, bete? वो जो जहाँ से warm water होगा वो cold water की तरफ जाएगा. And cold water जहाँ पे भी होगा, जहाँ पे भी temperature कम होगा, the water is cold, it will move into warmer water. तो ये करंट है जो movement है ocean में, ये दोनों side पे हो रही है. Please look at the figure, bete. The blue arrow towards the red arrow and the red arrow towards the blue arrow. देखिए एक cycle है जो चल रही है. जो red arrow जहाँ पे है, that is warm water. If you look at the figure, page 23, red arrows are the warm water. They're going towards cold water, bete. और जो blue arrows are the cold water. They're going towards the warm water, bete. एक cycle है जो के चल रही है. ठीक है, एंड देन देयर इज बेटे मूवमेंट ऑन लैंड, बेटे नॉट ऑफ लैंड, मूवमेंट ऑन लैंड. वाटर फ्लोज डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज व्हाई रेन्स फॉल फ्रॉम क्लाउड्स. हम सबको पता है ना ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्या है, कि अर्थ हैज अ नेचुरल पुल, इसको हम ग्रेविटी कहते हैं. किसी भी चीज को अगर हम छोड़ते हैं, इट विल फॉल डाउन ऑन द अर्थ, बेटे. यू हैव अ बॉल इन योर हैंड्स, यू ड्रॉप इट, इट विल नॉट स्टे देयर, इट विल फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, बेटे. व्हाई डज इट फॉल डाउन? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. अर्थ की एक नेचुरल पुल है जिसको नेचर ने क्रिएट किया हुआ है, जिसको वी कॉल इट ग्रेविटी, बेटे. तो जो भी चीज हम छोड़ेंगे वो नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगी. दिस इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई जो बारिश होती है वो नीचे आती है. कंडेंसेशन से बारिश हुई, देखिए बारिश कैन स्टे इन द एयर, नीचे हमारी जमीन पर गिरी नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी दैट रेन फॉल्स डाउन ऑन द ग्राउंड, बेटे. दिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन लैंड, बेटे. ठीक है, एक मूवमेंट ऑफ वाटर सी में होगी जो करंट मूव हो रहा है, और एक मूवमेंट लैंड पे होगी. रिवर्स ऑल्सो फ्लो डाउन हिल एंड कैरी मच ऑफ द वाटर फ्रॉम द लैंड टू द सीज एंड ओशन एज पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल. रिवर्स सबको पता है, हमने इंडस रिवर की बात की, हमने रिवर रावी हमारे लाहौर में है. The mostly they originate start होते हैं माउंटेन से, बेटे. The snow melts on the mountains, it melts down. The river originate from the mountains. लेकिन river हमेशा माउंटेन से, कहां से, नारान से, कलाम से, सवार से, स्कर्टू से, हर जगह से, बेटे, वो originate from वहां से और पूरे पाकिस्तान से होते, वो नीचे मुसलसल नीचे जा रहे हैं, बेटे. एक मूवमेंट है, एक नेचुरल मूवमेंट. अगर आप गौर करें, if you can see the movement of the river, बेटे, सब rivers आखिर जाके वो किसी बड़े रिवर में जा रहे हैं, सी में जा रहे हैं, मोस्टली कराची जाके वो इंडस में मिल जाते हैं, और इंडस में जाके कराची में जाके जो सी है कराची के पास, उस सी में मिल जाते हैं. ठीक है, तो एक जो मूवमेंट ऑफ वाटर है हमने सी ओशंस में देखी, एक हमने लैंड पे देखी. एक रिवर्स जो अपना रास्ता बनाते हैं खुद ब खुद, डाउन हिल नीचे नीचे जा रहे हैं, माउंटेन से स्टार्ट हो रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली उस ओशंस और सीज में जाकर मिल जाते हैं, बेटे. तो वो एक ऑब्वियसली एक पैटर्न है कि उसकी वजह से जो पानी है रिवर्स का वो जाके सी में मिल जाता है. दिस अगेन बिकम्स अ वाटर साइकिल, बिकॉज वो जो सारा पानी रिवर्स का जाके ओशन से मिल रहा है, तो ऑब्वियसली दैट मेक्स एन इम्पैक्ट ऑल्सो. तीन मेथड्स हैं वाटर की मूवमेंट के, जो कि आपकी बुक में डिस्कस हुए हैं. ठीक है, दिस इज द डायग्राम, दिस अगेन फ्रॉम योर बुक, बेटे, फिगर 2.12 ऑन पेज नंबर 23. दिस इज द रिवर, बेटे. इफ यू नोटिस, ये वाटरशेड का मतलब है कि ये डॉटेड लाइन है, दैट्स द बाउंड्री. वाटरशेड मींस जो रिवर के दूसरे जो रिवर्स हैं, जो रिवर्स के साथ हैं, ये एक जो रिवर है वो बाउंड्री इस डॉटेड लाइन के अंदर है रिवर. ठीक है, सोर्स मींस, व्हाट इज सोर्स मींस? सोर्स मींस द माउंटेन्स और वेयर एवर इट स्टार्ट्स फ्रॉम. मोस्टली द माउंटेन्स इन पाकिस्तान केस. रिवर्स कहां से स्टार्ट होते हैं जनरली? एज आई सेड टोल्ड यू रिपीटेडली,
रिवर्स स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द माउंटेन्स बेटे, सोर्स जो है ये माउंटेन्स है, यहाँ से रिवर स्टार्ट हुआ बेटे, ठीक है। और ये आज देखें इधर से ये लाइन भी रिवर की आ रही है, ये ट्रिब्यूटरी, ये भी एक आके रिवर मिल रही है, तो आस्ते आस्ते आके सब ये एक मेन रिवर में मिल जाता है। माउथ मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, कौन मुझे बताएगा माउथ क्या होता है बेटे? मैंने आपको पहले रिवर का माउथ क्या होता है बेटे, एनीबडी? रिवर का माउथ मैंने आपको पहले, रोमा बताएं बेटा, शाबाश रोमा, बताइए बेटा, यू हैव रेज योर हैंड, माउथ क्या होता है बेटा? Sir, in this all the rivers meet. Where do they meet, बेटे? किसके साथ जाके? Where do they meet? शाबाश, you saying the right thing. River कहाँ पे जाके meet करते? किसको meet करता है बेटे? जो at the river base. बेटे किसी भी sea में जाके जब river मिलता है तो उसको उसको mouth कहते हैं बेटे. Mouth. जहाँ पे river अपनी journey खत्म करता है और sea में चला जाता है, that place is called its mouth, बेटे. ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ देखें कि ये रिवर सोर्स, यू कैन इमेजिन दीज आर द सोर्स इज द माउंटेन्स, पूरे अगर हम पाकिस्तान को इमेजिन करें तो पूरे पाकिस्तान में से होता हुआ ये माउथ क्या होगा? अरेबियन सी, जो कि कराची के पास है, जो सी कराची के पास है वो माउथ होगा, जहाँ पे वो रिवर जाके उस सी के अंदर मिल रहा होगा, तो वहां ये जो वाटर, जो ब्लू पार्ट है, दिस इज द वाटर दैट मीन्स द सी, तो जहाँ पे सी में मिल रहा है, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड द माउथ बेटे। और यहाँ पे हमने डेल्टा का वर्ड याद है किसी को? हमने डेल्टा की बात की है, do you remember, recall the word delta? मैंने आपको एक्सप्लेन किया डेल्टा कि नहीं बेटा? डेल्टा एक्सप्लेन किया मैंने आपको, शायान, एवरीवन, मुसफ, ताबीन बेटे, आपको डेल्टा एक्सप्लेन किया था मैंने क्लास 7 बेटे, did I explain delta to you or no? Anyone? Class 7, did I explain delta to you beta? No. No beta? No. Okay, बेटा ये दिस पार्ट जहाँ पे ये जो रिवर है बेटा, जब आके मिलेगा यहाँ पे सी के साथ, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड डेल्टा। दिस इज वेरी फर्टाइल बिकॉज जो रिवर है पूरी अपनी जर्नी में से सैंड और चीजें अपने साथ कैरी कर रहा है, वो पानी जो है वो तो सी में जाके मिल जाएगा, लेकिन जो 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 मड, जो सैंड वो कैरी कर रहा है, वो सब इधर इस माउथ के ऊपर रह जाएगी बेटे। वो जब यहाँ पे रह जाएगी तो दिस प्लेस बिकम्स एक्सट्रीमली फर्टाइल बेटे। ये किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए जनरली ये जगह बहुत फर्टाइल होती है, बहुत अच्छी होती है बेटे। सो द रिवर इज वो सारा कुछ कैरी करके बेटे यहाँ से अपनी पूरी जर्नी के बाद माउथ पे आके जब सी के साथ मिलता है, तो उसको, उस प्लेस को हम डेल्टा कहते हैं। एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर टुडे व्हाई इज इट कॉल्ड डेल्टा। तो वहां पे ये जो कुछ रिवर अपने साथ कैरी कर रहा होता है वो यहाँ पे आके वो छोड़ देता है, पानी समंदर में चला जाता है और यहाँ पे आके वो उस मड को, उस सैंड को, सब कुछ को यहाँ पे छोड़ देता है अपने माउथ के पास बेटे। तो जब रह जाती है वहां पे तो जगह एक्सट्रीमली फर्टाइल हो जाती है। फर्टाइल का मतलब है कि आप कोई भी चीज वहां पे बड़ी इजीली ग्रो कर सकते हैं बेटे। ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रेक बेटे। अब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पहले पूछ ले, देन गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। Anybody, any question, जो हमने अभी तक बात की है, किसी ने कोई चीज पूछनी है तो बेटे पूछ ली। Nobody? Kinza? Roma? Anyone बेटा? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? Nobody? चलो, we will move forward then. What is the work of a river, bete? This whole chapter, recall, bete, this whole chapter is about water. So we are all discussing about water, bete. Work of a river, velocity and volume. If the land slopes steeply, steeply का मतलब होता है बेटे जो नीचे slope जा रही है, वो बहुत steep है. एक होते कम, look at this, bete. Look at my hand. एक थोड़ा slope है और एक बहुत ज़्यादा slope है. ठीक है? आपको भी पता है जब slide आप लेते हैं. जो स्लाइड इस तरह स्लोप बहुत ज्यादा होती है तो उसमें आप बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं या आहिस्ता से नीचे गिरते हैं बेटे? कोई स्लाइड जब आप लोग लेते हैं बेटा और वो स्टीप हो बहुत ज्यादा, उसमें आप तेजी से गिरेंगे? जी रोमा, तेजी से गिरेंगे या आहिस्ता गिरेंगे नीचे? रोमा बेटा, आपने हैंड रेस किया, बताइए तेजी से गिरेंगे या आहिस्ता गिरेंगे? एनीवन एल्स बेटा? अगर कोई स्लाइड है और बहुत यू बहुत स्टीप है बेटे, उसमें आप तेजी से नीचे गिरेंगे या आहिस्ता नीचे गिरेंगे? तेजी से शाबाश। इसमें इतने सोचने वाली कौन सी बात थी?
हसन अली हसन, इसमें क्या सोचने वाली बात थी? जाहिर है बेटे अगर वो बहुत स्टीप होगा तो आप तेजी से नीचे गिरेंगे ना, अगर वो कम स्टीप होगा तो आप स्लो गिरेंगे, जितनी वो स्टीप होगी जितनी वो ऐसे एंगल पर होगी उतनी आप तेजी से नीचे गिरेंगे। सिमिलरली इज द केस विद वाटर बेटे, वर्क ऑफ अ रिवर, इफ द लैंड स्लोप्स स्टीपली अ रिवर मे फ्लो क्विकली, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर बेटे। जहां जहां पे लैंड स्टीप होगी रिवर की स्पीड बढ़ती जाएगी, जो वो नीचे माउंटेन से नीचे आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द velocity of a river bitte, this is called the velocity of the river bitte. The river may also flow quickly if it has lot of water as in a flood bitte, theek hai. This is the volume of a river, volume ka matlab hai ke usme pani bahut zyada ho gaya, aur kab zyada hoga? Because of the floods, because of the rain. Ali Hasan pay attention beta, because of the flood, because of the rain, this will, the volume of the river will increase beta, theek hai. Jab agar barish ho rahi hai, jaise aaj bahut barish hui hai, you can imagine the river Ravi which is right next to Lahore, usme pani jama ho gaya hoga na beta, itni kyunki itni zyada barish ho rahi hai. So this is called the volume of a river, a volume badh gaya river ka, theek hai. Cha agar volume badhe ya agar land bahut steep hai to river bahut velocity ke sath niche aayegi. The volume of a river increases after rain or when snow melts beta, theek hai. Jab barish hoti hai river mein pani hota hai, ya summer mein jab snow melt hoti hai aur mountain se pani river mein aata hai, us waqt river ka volume badh jata hai, theek hai. And if you may have noticed, if you have been to places like Agan, Naran, Samad bete, jahan pe rivers hain, you may have noticed ki summer mein wahan pe sometimes bahut zyada pani tez chal raha hota hai, because wo snow bahut zyada summer mein melt ho rahi hoti hai, wo melt hokar river mein aake milti hai, so the volume of the water is huge, us waqt se you see a lot of velocity in the river bete, and you see a lot of water in the rivers, theek hai. With greater volume, will it take longer or shorter to reach river mouth? ठीक है, अगर volume ज्यादा है और speed ज्यादा है तो river mouth यानी कि sea के में जल्दी पहुंचेगी या late पहुंचेगी? कौन बताएगा मुझे? अगर वो volume ज्यादा है बेटे तो उसको उसको it may take several days to reach the sea bete, it may take volume agar zyada hai, bahut zyada pani hai, usko sea tak pahunchne mein several days lag jate hain. Pakistan ke case mein bete, I just need to explain to you ki kya hota hai ki wo sara ka sara pani jo rivers mein hai, all of that water does not go into the sea bete, we store that water in between, hum raste mein rok lete hain. Kis maqsad ke liye rokte hain koi bataiyega? Agar hame north se pani chal raha hai, it is going supposed to go all the way up to Karachi bete, हम बीच में पानी रोक लेते हैं तो हम क्यों पानी रोकेंगे? कोई भी एक्सप्लेन करेगा हम बीच में रास्ते में पंजाब में केपीके में किसी सिंध में किसी भी जगह पे पानी क्यों रोकेंगे? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? विल सेव दैट वाटर, हम सारा पानी रिवर का समंदर में नहीं जाने देंगे. मियां ताबीन साहब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हम बीच में पानी क्यों रोकेंगे? आई हैव अनम्यूटेड एवरीवन, लेट्स सी व्हाट डू यू थिंक बेटे, अगर हम पानी रिवर का सारा समंदर में जाने देना, हम बीच में क्यों रोकेंगे पानी बेटे? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? बताइए बेटे क्यों एक्सप्लेन करेंगे रोकेंगे? कोई एनी आइडिया, एनी गेस? कोई ट्राई करे? शायान, मुसफ, ताबीन, बेटे कोई एक्सप्लेन करे, मुझे कोशिश करे. किंजा, किंजा बेटे आप जी बेटा, ताबीन क्या करे? अच्छा ठीक है, और उसके अलावा पानी का पीने के अलावा और क्या यूज है बेटे? हमने क्या रोमा बताइए आप बेटा, हम पानी क्यों रोकेंगे? जी बेटा, ताकि फ्लड ना आए. मेरे पानी रोकने से फ्लड कैसे रुकेगा बेटे? अगर जहां पे हम पानी रोकेंगे वहां पे तो फ्लड आ जाएगा ना? आपकी बात ठीक है लेकिन आप इसको कोशिश सोचें, जरा और सोचें, अगर हम पानी एक जगह पे रोक लेंगे तो वहां पे तो फ्लड आ जाएगा ना बेटा? Yes. तो हम एक जगह जिस जगह पे भी पानी को रोकेंगे वहां पे पानी ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे फ्लड आ जाएगा. तो हम बताइए कि हम उसको पानी को कहीं ना कहीं हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा. जी मुसफ आप बताएं. मुसफ आप बताइए बेटा. शायद सॉरी बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है.
मुसब बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, बताएं बेटा। एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई? कोई और बेटा? करीम आप बताइए। जी बेटे करीम बोले, मुसब बोले, आप बोले बेटे। ये वॉइस कमिंग प्रॉपर। सॉरी बेटे आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही है। करीम आपने ट्राई करनी है, यू वांट टू से समथिंग? चले आल चली बेटे, लेट्स कंटिन्यू। बेटे हमें एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए या नहीं चाहिए? हमें एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए कि नहीं चाहिए बेटे? हमें इरिगेशन के लिए, हमें अपनी क्रॉप्स के लिए, जो आजकल आप मैंगोस खा रहे हैं बेटे, वीट है, राइस है, बनानास हैं, जो ऑल द क्रॉप्स दैट ग्रो इन पाकिस्तान, डेट्स हैं बेटे, हमें इनके लिए पानी चाहिए या नहीं चाहिए बेटा? डू वी नीड वाटर फॉर दैट और नॉट? क्लास 7, डू वी नीड वाटर फॉर इरिगेशन? या हमें जरूरत नहीं होती बेटे पानी की? कलीम होती है जरूरत की नहीं होती बेटा पानी की? ठीक है। प्लस आपने तरबेला डैम, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट तरबेला डैम एंड मंगला डैम बेटे। ठीक है, डैम्स में हम वाटर सेव करते हैं, सो वी मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दैट बेटे। तो वो पानी कहाँ से आएगा? इट कम्स फ्रॉम द वाटर बेटे। ये जो वाटर है हम इसमें, वी सेव सम ऑफ दैट वाटर इन द रिजर्वॉयर्स, जो डैम्स के साथ रिजर्वॉयर्स होते हैं, ताकि जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है हमारे पास वो पानी है। फिर जहां जहां पे वेयर एवर वी नीड द वाटर फॉर क्रॉप्स बेटे, हम वो वाटर उसके तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। एक फ्लो रिवर का चल रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ पे इस तरफ राइट लेफ्ट एनीवेयर बेटे कोई हमें इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? दैट वाटर फ्रॉम द रिवर हम उसमें से स्मॉल एक ट्रिब्यूटरी बना के हम उस वाटर को अपनी क्रॉप्स की तरफ डाइवर्ट कर देंगे। ठीक है, ऑल द वाटर दैट फ्लोज फ्रॉम द रिवर ऑल द वे डाउन टू द सी बेटे, सब पानी रिवर सी में नहीं जाता, हमें बीच में उसको सक्कर पे हमने बराज बनाया हुआ है, वी कॉल इट द बराज बेटे। बराज इज अ ह्यूज, आई ट्राई टू शो यू पिक्चर, एक ह्यूज मेटल स्ट्रक्चर है, हम उसको नीचे कर देते हैं तो पानी रुक जाता है, तो उसके आसपास जो जमीनें हैं उनको वो वाटर डाइवर्ट कर देते हैं। हम मंगला और तरबेला पे हमारे ह्यूज डैम्स हैं बेटे, हम वहां पे पानी सेव करते हैं, उन डैम से हम अपने इरिगेशन के लिए भी वो पानी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी वो पानी यूज करते हैं। एंड बेटे वी ऑब्वियसली एज आई सेड फॉर इरिगेशन टू वेयरएवर वी नीड बेटे, वेयरएवर द रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम, बी इट केपीके, बी पंजाब, बी इट सिंध बेटे, जहां जहां से पानी रिवर फ्लो करता है हम उसको, जहां जहां पे हमें जरूरत होती है हम उसको पानी को डाइवर्ट कर लेते हैं। तो सारा पानी जो है हमारा वो सी में नहीं जाता। ठीक है, एंड नाउ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डैम। डैम डैम आपने सुना होगा जी, कालाबाग डैम बनना चाहिए, ये डैम बनना चाहिए, वो डैम बनना चाहिए। वाई? बिकॉज जब हम डैम नहीं बनाते तो सारा जो पानी होता है हमारा, इट गोज फ्रॉम द रिवर टू सी। सी में जब चला गया वो तो जाया हो गया ना बेटे, जब सी में कराची में जाके वो सी में मिल गया फिर तो हमारे किसी काम का ना रहा, फिर इट्स वेस्टेड बेटे। तो वी शुड सेव इट ऑन द वे फॉर इलेक्ट्रिसिटी फॉर इरीगेशन, हमें जो हमारी लोड शेडिंग है खत्म हो जाएगी अगर हमारे पास वो एक्स्ट्रा पानी होगा, एक्स्ट्रा डैम होंगे, तो जहां जहां हमारे डैम्स होंगे वी विल मेक इलेक्ट्रिसिटी एट दैट पॉइंट बेटे। तो हमारा वो जहां जहां पे हमें ये डैम्स होंगे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे, इरीगेशन कर लेंगे। तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वी हैव डैम्स एंड वी सेव दैट वाटर। ठीक है, वी सेव दैट वाटर, रास्ते में हमें सेव कर लेना चाहिए ताकि हमारे काम आ जाए। आप सबको पता है ना लोड शेडिंग होती है ना पाकिस्तान में, लाइट चली जाती है दो दो तीन तीन घंटे, अगर डैम्स हो हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी हो तो फिर जाहिर है कि लोड शेडिंग नहीं होगी और एट टाइम्स ड्राउट आ जाता है, कहत हो जाता है, हमारे उसमें क्रॉप्स के लिए इनफ पानी नहीं होता, अगर हमारे अपने यूज के लिए पानी शॉर्ट हो जाता है तो अगर सारा पानी जो समंदर में जा रहा है दैट इज वेस्टेड बेटे। सो वी नीड टू सेव इट ऑन इट्स वे थ्रू barrages, through dams, through different ways बेटे, ताकि हम उसको use कर सकें। ठीक, now we're talking about the movement of the river, we talked about velocity and volume, next is erosion बेटे। The force of a river with a lot of energy breaks down the rock over which it is flowing, this breaking down is called erosion, the erosion makes the river channel deeper and wider। What it's saying is कि river जा रहा है, उसके रास्ते में कोई massive rocks आते हैं, not in one year, two years, but river तो hundreds of years एक ही passage पे flow करता रहता है। तो वो जब वो फ्लो करेगा river rocks को आहिस्ता, it will the water and the energy and the force of the water slowly and gradually will break the rocks that come in its way। जब वो rocks break होंगे
तो देन जो रिवर के जो पैसेज है, जो जगह है जिस पर रिवर ने फ्लो करनी है, वो एक्सपैंड हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको हम रिवर चैनल कहते हैं। द एरिया वेयर द रिवर इज फ्लोइंग वी कॉल इट रिवर चैनल बेटे। तो जाहिर है रास्ते में जो रॉक्स आएंगे अगर वो ब्रेक हो जाएंगे तो रिवर चैनल वाइड हो जाएगा और उसका फ्लो और बेहतर हो जाएगा। एक और फंक्शन ऑफ द रिवर, द फ्लो ऑफ द रिवर इज ट्रांसपोर्टेशन। द मटीरियल इरोडेड बाय द रिवर फॉर्म्स द रिवर लोड। ठीक है, अब जो रॉक है उसको हमने इरोड कर दिया, उसको तोड़ दिया हमने, छोटे छोटे पीसेस हो गए, तो छोटे छोटे पीसेस पानी के साथ नीचे बह जाएंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिवर लोड। रिवर लोड बेटे, ये रिवर का लोड है जो कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें, जो यू कैन इमेजिन ट्रीज, यू कैन इमेजिन प्लांट्स, ट्रीज, सैंड, मड, लोग कितनी चीजें पानी में, आप यू नो, यू पीपल ईट एंड ड्रिंक एंड दे थ्रो देयर बॉटल्स, देयर रैपर्स इन द रिवर। तो रिवर सब चीजों को अपने साथ साथ लेके फ्लो करता रहता है। दिस इज कॉल्ड द रिवर लोड बेटे, और दिस लोड इज मूव्ड अलॉन्ग बाय द वॉटर। रोमा, यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग बेटा? रोमा बेटा, यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग? नो रोमा बेटा, रोमा ने हैंड रेज किया बेटा। रोमा बेटा, आपने कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किया। चलें जी, तो दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन। देन डिपोजिशन बेटे, ठीक है। अ रिवर में ड्रॉप सम ऑफ इट्स लोड। वो जो लोड रिवर कैरी कर रहा है रास्ते में, इट मे ड्रॉप सम ऑफ इट्स लोड बेटे। लेट मी शो वेयर इट इज। इट मे ड्रॉप इट्स लोड बेटे। व्हाई वुड इट ड्रॉप इट्स लोड? अगर रिवर का वेलोसिटी या वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है, इफ अगर द रिवर की वेलोसिटी या वॉल्यूम, दोनों चीज, वेलोसिटी स्पीड है या वॉल्यूम जो उसकी, उसके अंदर जितना पानी है उसके अंदर, अगर वो डिक्रीज होता है तो इट मे ड्रॉप सम ऑफ इट्स लोड। वो जहां पे वो डिक्रीज होगा तो वहां पे वो उस चीज को डिपॉजिट करके पानी आगे बह जाएगा, और उसको पानी बहुत तेज होगा तो अपने साथ सब कुछ भाग के ले जाएगा। अगर उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो हो सकता है कि जो 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 बिगर रॉक्स हैं बेटे, उनको वो वहीं पे ड्रॉप कर दे और उनको आगे लेके ना जा सके, पानी आगे चला जाए और वो चीजें उधर ही रह जाएं। तो दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन बेटे। दिस इज द रिवर विल ड्रॉप सम ऑफ इट्स लोड बेटे। इट मे ड्रॉप बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी और डिक्रीज इन द वॉल्यूम बेटे। फिगर 2.15 ऑन पेज 25 और फिगर 2.16 पेज 25, ये दोनों फिगर्स देखें बेटे, देन वी विल स्टॉप इट, ठीक है। देखिए फिर फिगर 2। यस बेटा। सर, इफ देयर इज अ लॉट ऑफ लोड इन वाटर, सो लाइक some people throw wrappers and other things like that, so water will become dirty. How can we use that water? Bete, we don't drink that water directly na. We, the river water jab it jab us source mein se nikalta hai na, mountains mein se, bete, is very neat and clean, and maybe it is so clean ki almost you can drink it bete, lekin hum kabhi zahir hum wo bhi nahi peete, lekin the river water that we see bete, even ye jo hamari canal hai jo Lahore mein, आपने किनार सबने देखी होगी, अगर आप देखें नोटिस करें तो पानी, सपोज तो इसको साफ होना चाहिए पानी, बट इट्स नॉट क्लीन दैट वाटर, वी कैन नॉट ड्रिंक इट। सो व्हाट हैज हैपेंस इज, हम लोग ये पानी ये नहीं पीते बेटे डायरेक्टली। अगर हमें, अगर ये पानी सप्लाई भी किया जाता है तो जो सोर्सेस हमें सप्लाई करती है इसको पहले फिल्टर करके फिर हमें ये वाटर देती है पानी, और उसके बावजूद बेटे यू नोटिस बेटे आपके जो टैप में से जो वाटर आता है, आप यूजली आप डायरेक्टली टैप से तो पानी नहीं पीते ना बेटे, आप उसको पहले फिल्टर करते हैं या बॉयल करते हैं, या फिर आप मिनरल वाटर यूज करते हैं, नेस्ले का यूज करते हैं, कोई भी मिनरल वाटर यूज करते हैं, तो यू नोटिस कि वो वाटर, इवन दो इफ इट कम्स फिल्टर टू यू, लेकिन आप उसको फिर भी खुद भी कंज्यूम नहीं करते, आपकी मामा आपको उसको फिल्टर करके देती हैं या आपको बॉयल करके देती हैं, तब आप वो पानी पीते हैं। सो दिस इज वाई वी डोंट कंज्यूम दैट वाटर। एक और चीज ये है बेटे, जो पानी हमें आता है यूजली नॉट फ्रॉम द रिवर बेटे, जो रिवर का वाटर है वी मोस्टली यूज इट फॉर इरीगेशन यानी फॉर क्रॉप्स के लिए, तो उसमें अगर वो डर्टी हो भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉप्स का तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाटर क्लीन है ये थोड़ा सा डर्टी है, वो इरिगेशन के लिए यूज होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। हम बहुत डिटेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमें मोस्टली जो पानी आता है ना बेटे, हमने आगे अभी सुबह पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा अभी हमने कि जो 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 वाटर है, जो मूवमेंट ऑफ द वाटर है, लेट मी जस्ट शो यू बेटे, यहाँ पे मूवमेंट
हमने ये पढ़ा था नीचे ग्राउंड इन्फिल्ट्रेशन, ये जो पानी बारिश का जमीन में चला जाता है, तो यूजुअली जो हमें वाटर आता है बट जमीन में पानी एक दफा जमीन में चला गया तो दिस क्लीन बिट, जमीन से उसको पाइप्स के थ्रू सक किया जाता है, बाहर निकाला जाता है ट्यूबवेल के थ्रू और ह्यूज मशीन्स के थ्रू मोटर्स के थ्रू इस पानी को बाहर निकाला जाता है। तो वो पानी जो ग्राउंड से बाहर निकलता है वो जनरली साफ होता है बेटे, वो अंडर जमीन में उसको ड्रिंकेबल होता है, उसको हम उसको पी सकते हैं बेटे। अगर आप इफ यू बीन टू विलेज एनीवन, अब यू सी आपने हैंडपम्प देखा होगा, हैंडपम्प यू सर यू मूव करते हैं ना बेटे, बेसिकली यू आर ब्रिंगिंग द वाटर आउट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से बाहर वाटर निकाल रहे। अलीसन यू वांट टू आस्क समथिंग बेटे? अलीसन चले बेटे, वी जस्ट फोर फाइव मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन यू दिस डायग्राम। अलीसन बेटे आपने हैंड रेस की, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर वो पापा पूछ रहे हैं कि आज कॉपियां जमा करानी है। बेटे आपको क्या डेट, आपने अगर जमा नहीं करवाई तो आप करवा दें बेटे, लाजमी करवा दें, आज करानी है, करवा दें बेटे, करवा दें। अच्छा पेज 25 पे बेटे यू सी टू डायग्राम्स बेटे, एक वैली है और एक एक वाटरफॉल है। दिस दीज थिंग्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर बेटे। देखिए माउंटेन्स के दरमियान से पानी आ रहा है ना बेटे, फिगर 2.15 पे माउंटेन्स के दरमियान से, दो माउंटेन्स हैं दरमियान में से पानी माउंटेन्स में से मेल्ट हुआ उसमें आया। वो जो पानी जब मेल्ट होता है जनरली क्या होता है बेटे, जहाँ से पानी गुजर रहा होता है स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज वाटर इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर आर सर्वाइवल, इतना हम डिपेंड करते हैं वाटर के ऊपर कि क्या होता है कि लोग उस पानी के आसपास आबाद होना शुरू हो जाते हैं। They start living around that water because everyone needs water. तो वहां पे वो वैली क्रिएट हो जाती है बेटे वाटर की मूवमेंट की वजह से, पानी बीच से गुजरता है, साथ साथ भी लोग ऐसा 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 लोग रहना शुरू हो जाते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है एक वैली क्रिएट हो जाती है, वी शेप वैली, वो आपको नजर आ रही है इसमें फिगर 2.15 में। ठीक है ठीक है, ये दिस नॉट ऑब्वियसली, ये बेटे ये नहीं होगा कि ये वैली एक दिन में, दो दिन में, वन मंथ में, वन ईयर में क्रिएट हो जाएगी। इट मे टेक्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर बेटे, जो हमें तो नहीं मालूम कि कब से पानी फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में, ये नेचर की, नेचर डिसाइड करती है, अलमिया डिसाइड करते हैं कि कहाँ पानी ने जाना है। तो वो इवेंचुअली क्या होगा कि वहां पे फ्लो जहां जहां से कर रहा है वहां पे वो वैली क्रिएट कर देगा, वहां पे लोग रहना शुरू हो जाएंगे और वैली क्रिएट हो जाएगी। सेकेंड थिंग इज बेटे इज वाटरफॉल, सबको पता है ना वाटरफॉल क्या है, एक हाइट से पानी अगर नीचे गिरेगा विल कॉल इट वाटरफॉल बेटे। रिवर्स जहां से गुजर रहे होते हैं एट सम पॉइंट्स दे क्रिएट अ वाटरफॉल बेटे। प्लीज लुक केयरफुली अपना इन फिगर 2.16, ऑल ऑफ यू बेटे लुक केयरफुली इन फिगर 2.16 ऑन पेज नंबर 25। सबसे पहले देखिए कि जो रिवर है ऊपर जो ब्लू लाइन है दैट्स द रिवर दैट इज फ्लोइंग डाउन बेटे। ठीक है, अब रिवर के नीचे जिस एरिया में रिवर बैंक जिस जगह पे वो फ्लो कर रहा है देयर हार्ड रॉक्स एंड द सॉफ्टर रॉक्स बेटे। तो क्या होता है कि सबसे पहले जो सॉफ्ट रॉक है वो इरोड होंगे पानी की प्रेशर से, वेलोसिटी से, स्पीड से, वो सॉफ्ट रॉक जो है वो इरोड होना शुरू होंगे बेटे। ठीक है, द सॉफ्ट रॉक्स द सॉफ्टर रॉक्स विल स्टार्ट इरोडिंग, विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन बेटे। जब वो ब्रेक डाउन करेंगे, देखें आप यहाँ पे सेकंड फिगर में देखें कि वहां पे एक हम्प सा क्रिएट हो रहा है, जैसे एक देखें ना आप थोड़ी सी जो ब्लू लाइन है वो स्ट्रेट होने के बजाय थोड़ी सी हाइट पे जाके फिर नीचे आ रही है बिकॉज वो जो सॉफ्टर रॉक्स है वहां पे इरोड हो रहे हैं बेटे। ठीक है, सॉफ्टर रॉक क्या इरोड होने से क्या होगा बेटे, वहां से एक तो सॉफ्टर रॉक पहले आहिस्ता से टूटे, फिर जो हार्ड रॉक है आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज वो भी साइड से अंडर कटिंग उसकी होना शुरू हो जाएगी, सॉफ्ट रॉक जो है उसको सपोर्ट कर रहे थे हार्ड रॉक को बेटे। तो सॉफ्ट रॉक सबसे पहले इरोड हुए, उन्होंने बेटे सॉफ्ट इरोजन ऑफ सॉफ्ट रॉक क्रिएट्स अंडर कटिंग ऑफ हार्ड रॉक बेटे, और वहां से पानी नीचे गिरना शुरू हो गया। ये स्ट्रेट बह रहा था पानी, दिस वाज गोइंग स्ट्रेट, यू सी प्लंज पूल, यू सी इन द लास्ट पार्ट इन द थर्ड फिगर स्टेज थ्री में हम देखें वो प्लंज पूल हो रहा है, द वाटर दैट वाज स्ट्रेइंग फ्लोइंग स्ट्रेट बेटे वो नीचे आके एज अ वाटरफॉल बन जाता है बेटे, वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, दिस बिकम्स अ वाटरफॉल बेटे। ठीक है, तो वी जस्ट हैव वन मोर मिनट, इफ यू हैव टू आस्क एनीथिंग बेटे, जो आज हमने कुछ पढ़ा है बेटे, देयर इज लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स इन दिस टॉपिक, जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग होगी। I'll tell you how do we make electricity, और पाकिस्तान में जो पानी है कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कहाँ पे वेस्ट होता है, डैम्स का क्या फंक्शन है, आपको ये जो लोड शेडिंग होती है हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, इसके बारे में आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा। I've touched upon it a little bit this time, I'll explain more to you next time.
But right now, we just have 1 minute. So if you have any question, please ask me quickly. Anybody? Anyone? Chalo, we'll stop right here, beta. Inshallah, I'll see you tomorrow again.